Hi, so this is a social science book, class 9th. This is social science book. Ab hum is book ko pick kar rahe hain and we are going to read this book. This is standard 9th textbook of history, NCERT class 9th. Isme hum ye sare chapters padhne wale hain, history and a changing world, events and process. हम आज जो देखेंगे विल स्टार्ट विद दिस फ्रेंच रिवॉल्यूशन देन सोशलिज्म इन यूरोप एंड दिस रशियन रिवॉल्यूशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट देन विल सी नाजिज्म इन जर्मनी एंड द राइज ऑफ हिटलर इसके बाद हम देखेंगे फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनियलिज्म एंड पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड ओके सो लेट अस स्टार्ट ये हम पहला चैप्टर देखेंगे दिस इज अबाउट सेक्शन 1 इवेंट्स एंड द प्रोसेस सी आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग अभी इस चैनल में वी हैव मेड ओवर 150 प्लस वीडियोस नॉट वंस आई हैव यूज्ड एनी क्लिकबेट ओके यू वुड नॉट सी क्लिकबेट कभी यूज नहीं हुआ है वी हैव नेवर एवर आस्क्ड आवर व्यूअर्स मैंने आपसे कुछ भी कभी डिमांड नहीं किया है ओके सो दिस एनसीईआरटी बुक का जो हमने प्रॉमिस किया है ये हम डिलीवर करेंगे बट विल डिलीवर एट अवर ओन पेस ओके आई अंडरस्टैंड आपका एग्जाम है तो हम प्रॉम्प्ट रहेंगे और इसको क्विकली देंगे बट विल डिलीवर एट अवर ओन पेस तो ये क्लास 9 का बुक है हम स्टैंडर्ड वाइज आगे बढ़ रहे हैं अभी हम 9th का पढ़ते हैं देन हम 10th आएंगे देन 11th आएंगे एंड 12th आएंगे ये पूरा कंप्लीट होगा बट अगेन इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन दैट वी कैन डू इट इन वन डे ओके इट विल हैपन सो लेट्स जस्ट अग्री ऑन दैट अब हम पढ़ते हैं इवेंट्स एंड प्रोसेस सी सेक्शन 1 जो है ना इसमें बात है दिस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में रशियन रिवॉल्यूशन एंड द राइज ऑफ दिस नाजिज्म ये जो तीन चीज़ें हैं इन्होंने वर्ल्ड ऑर्डर को बहुत तरीके से इम्पैक्ट किया है आज जैसा वर्ल्ड जो है ना वो सब इन तीनों चीज़ों पे है फॉर एग्जांपल आज बाबा अंबेडकर साहब का हम देख रहे हैं ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी ये इनके कॉन्सेप्ट्स कहाँ से आए इनके कॉन्सेप्ट्स आए इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ओके देन जो चैप्टर 1 है दैट इज़ ऑन फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुडे वी ऑफन टेक द आइडियाज ऑफ लिबर्टी फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर ग्रांटेड आज हम इन सब चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं बट वी नीड टू रिमाइंड अवर सेल्फ दैट दीज आइडियाज ऑल्सो हैव अ हिस्ट्री हर चीज़ का एक हिस्ट्री होता है और हिस्ट्री से कनेक्टेड हम उसका मॉडर्न टाइम प्रेजेंट जो सिचुएशन है प्रेजेंट जो कंडीशन है सोसाइटी एंड ऑल वी कैन कनेक्ट और उसके दिस वी कैन कनेक्टेड लिंक इट टू द हिस्ट्री तो हिस्ट्री इज द गेट वे टू द मॉडर्न टाइम So, by looking at the French Revolution, you will read a small part of that history. The French Revolution led to the end of monarchy. Monarchy matlab jo kingship chalta tha, wo khatam hua. Why? Because of this French Revolution. A society based on privileges gave way to a new system of governance. To pehle kya tha? Log bahut privilege samajhte the khud ko. Privileges means they used to have certain rights. By birth right hota tha, ya phir by post right hota tha, ya by religion agar hai to wo right hota tha. To ye privileges wo apne aap ko entitled mante the. Ye privileges gaye aur ek naya system of governance aaya. द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन ये जो हम आज राइट्स की बात करते हैं ना गवर्नमेंट में फंड हमारे पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स हैं डी पी एस पी एंड ऑल है इन सब का रूट है इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन अनाउंस द कमिंग ऑफ अ न्यू टाइम एक नया टाइम आया द आइडिया दैट ऑल इंडिविजुअल्स हैड राइट्स एंड कुड क्लेम इक्वेलिटी बिकेम पार्ट ऑफ अ न्यू लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स ये एक नई लैंग्वेज हो गई है These notions of equality and freedom emerged as the central idea. तो आज जो हमारी सोसाइटी में जिन वैल्यूज को हम चेरिश करते हैं समझते हैं हम वाइडली एक्सेप्टेबल होता है वो सब वैल्यूज इस इरा में डेवलप हुई थी दे री इंटरप्रेटेड एंड री थॉट इन मैनी डिफरेंट वेज अब यही जो टाइम था वो था एंटी कॉलोनियल मूवमेंट इन इंडिया एंटी कॉलोनियल मूवमेंट इन इंडिया एंड चाइना अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका प्रोड्यूस्ड आइडियाज जो बहुत इनोवेटिव और ओरिजिनल थे कोलोनियलिज्म मीन्स ये जो लाइक जो यूरोपियन पावर थी इन्होंने अलग अलग कॉलोनीज बना रखी थी स्पेशली दिस इंडिया एंड चाइना एंड अफ्रीका में तो इसी ड्यूरेशन पे ये एंटी कॉलोनियल मूवमेंट भी सेम हैपन हो रहा था किस पार्ट पे एशिया एंड साउथ एशिया एंड अफ्रीका पार्ट में साउथ अमेरिका में भी इवन सो इससे नए इनोवेटिव और ओरिजिनल आइडियाज आ रहे थे बट दे स्पोक इन अ लैंग्वेज दैट गेन करेंसी ओनली फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी
चैप्टर टू है, यू विल रीड अबाउट द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप. सी, इससे पहले एक चैप्टर होता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई विल ट्राई टू गेट इट सेपरेटली. तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा फिर कैपिटलिज्म आने लग गया. ये कैपिटलिज्म ने सोसाइटी को काफ़ी सारे बेनिफिट्स दिए, बट कैपिटलिज्म के साथ साथ इसके ड्रॉबैक्स भी थे. ड्रॉबैक्स ये थे कि कैपिटलिज्म से एक सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी डिप्राइव हो गया बहुत सारे राइट्स एंड प्रिविलेजेस में. ये उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होने लग गया. तो एज अ रिजल्ट, बिकॉज हमें पता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सो इस कैपिटलिज्म के रिएक्शन से बर्थ हुआ दिस सोशलिज्म मूवमेंट का. तो यहाँ लिखा है सोशलिज्म का ये टाइम था. ड्रामेटिक इवेंट्स दैट फोर्स द रूलिंग मोनार्क ज़ार निकोलस टू टू गिव अप पावर. फिर रशियन रिवॉल्यूशन आई टू चेंज सोसाइटी इन अ डिफरेंट वे. सो इट रेज द क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड वेल बींग ऑफ वर्कर्स एंड पीजेंट्स. अब द चैप्टर विल टेल यू अबाउट द चेंजेस दैट वर इनिशिएटेड बाय दिस न्यू सोवियत गवर्नमेंट, द प्रॉब्लम्स इट फेस्ड एंड द मेजर्स इट अंडरटुक. जब सोवियत रशिया को पुश किया गया अहेड विद दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो इससे क्या हुआ, वहाँ पे जो सिटीजन्स हैं उनको डिनाए हुए राइट दैट वर असेंशियल टू द वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी. सो इससे क्या वर्क हुआ, सोशलिज्म का आइडिया आया. However, became part of this anti-colonial movement. So that is why आप देखना इवन जो इंडिया में भी फ्रीडम स्ट्रगल होता है उसमें हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, फ्रीडम लीडर्स थे, उनमें बहुत ज़्यादा कॉलोनियल में थोड़ा सोशलिज्म का भी टिंज था उनके इसमें. सो टुडे द सोवियत यूनियन हैज़ ब्रोकन अप, सोशलिज्म इज इन क्राइसिस, बट थ्रू द 20th सेंचुरी पावरफुल फोर्स बन गई थी इन शेपिंग द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड. मतलब आज का वर्ल्ड, आज के वर्ल्ड में ये काफ़ी ज़्यादा इधर हो गया था. वी वर रीडिंग वन आर्टिकल इन द हिंदू न्यूज़पेपर एज वेल, उसमें हमने देखा था ये जो लाइंस है ना ये ब्लर होती जा रही है, सोशलिज्म की, कैपिटलिज्म की, इसकी लाइंस ब्लर हो रही है. फॉर एग्जांपल जैसे अमेरिका है, अमेरिका में अभी रिपब्लिकन पार्टी पावर में है और रिपब्लिकन पार्टी काफ़ी कैपिटलिस्ट मानी जाती है, बट इवन रिपब्लिकन पार्टी वाले भी अब बोल रहे हैं कि हम वर्कर्स को यूनिवर्सल, हम उन्हें पेमेंट देते हैं, यूनिवर्सल उनको सप्लाईज देते हैं. सो दीज आर मेजर्स ऑफ दिस सोशलिज्म, वेलफेयरिज्म. बट अब कैपिटलिस्ट भी इसको तरफ मूव कर रहे हैं. तो दैट इज़ वाई ये जो लाइंस हो रही हैं ये समय के साथ अगेन चेंज होती रहती है. चैप्टर थ्री में हम देखेंगे जर्मनी. जर्मनी अगेन काफ़ी इन्वॉल्व था वर्ल्ड वॉर वन में भी और टू में भी. ये यूनिफिकेशन होता है ना, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होता है तो फिर जो यूरोप में ना पावर शिफ्ट हो जाता है, पावर बैलेंस चेंज होता है. सो दैट इज़ वाई हम देखेंगे कि ये जो जर्मनी है ये कैसे प्ले किया इस पूरे टाइम पे. राइज ऑफ हिटलर हुआ, पॉलिटिक्स ऑफ दिस नाजिज्म हुआ. यू विल रीड अबाउट द चिल्ड्रन एंड वेमेन इन नाजी जर्मनी, अबाउट स्कूल्स एंड कॉन्सेंट्रेशन कैंप. यू विल ऑल्सो सी जो नाजिज्म है ये डिनाई किया वेरियस माइनॉरिटीज अ राइट टू लिव. राइट टू लिव नहीं मिला. हाउ इट ड्रू अपॉन अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ दिस एंटी ज्यूइश फीलिंग. ये एक बहुत बड़ा उस टाइम का दौर था जहाँ पे एंटी जू फीलिंग काफ़ी थी. पर्सिक्यूशन ऑफ जूज हुआ एंड हाउ इट वेज्ड अ रिलेंटलेस बैटल अगेंस्ट डेमोक्रेसी खतरे में आई और सोशलिज्म भी. ये जो नाजिज्म था ये दोनों के अगेंस्ट था बेसिकली. बट द स्टोरी ऑफ नाजिज्म राइज इज़ नॉट ओनली अबाउट अ फ्यू स्पेसिफिक इवेंट्स, अबाउट मैसाकर एंड किलिंग. बहुत लोगों को एक साथ मारा जा रहा है, दैट इज़ मैसाकर. इट इज़ अबाउट द वर्किंग ऑफ एन एलेबोरेट एंड फ्राइटनिंग सिस्टम विच ऑपरेटेड एट डिफरेंट लेवल. सम इन इंडिया वर इम्प्रेस्ड विद द आइडियाज ऑफ हिटलर बट मोस्ट वॉच द राइज ऑफ नाजिज्म विद horror. So the history of the modern world is not simply a story of the unfolding of freedom and democracy. It has also been a story of violence, tyranny, death and destruction. तो अब हम start करते हैं this French Revolution. ये class 9 की book है. One more thing, I just got to realize that many students of this 9th class are watching this video. So let's just be very civilized. यहाँ काफ़ी बच्चे भी देख रहे हैं इस वीडियो को. ओके, सो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन अब हम से स्टार्ट करते हैं. देखिए मॉर्निंग जो है ना 14 जुलाई 1789 को, कब, 14 जुलाई 1789 को, जो सिटी ऑफ पेरिस है वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म. अचानक वहाँ पे एक अलार्म टाइपिंग सिचुएशन हो गई. सो जो किंग था वहाँ का हैड कमांडेड द ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी. किंग ने कहा कि ट्रूप्स हैं वो सिटी में लेके आते हैं.
rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizen, because army आ गई है और rumors ऐसे हो रहे थे कि अब army यहाँ पे fire open कर देगी. कुछ 7,000 men थे और women थे gathered in front of the टाउन हॉल एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपल्स मिलिशिया. मिलिशिया क्या होता है? मिलिशिया मीन्स जब लोग हथियार उठा लेते हैं, एक पूरा सोसाइटी ग्रुप टाइप का, दैट इज कॉल्ड मिलिशिया. नॉन स्टेट एक्टर होता है बेसिकली मिलिशिया. दे ब्रोक इन टू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स. देन फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टूवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन जिसका नाम था बेस्टाइल. ये बेस्टाइल पे सब लोग अचानक घुस गए. सो वेयर दे होप टू फाइंड होल्डर अम्यूनिशन. ये यहाँ पे हथियार थे, यहाँ पे अम्यूनिशन था, तो वो उन्होंने देखा. इन द आर्म फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बेस्टाइल वॉज किल्ड एंड द प्रिजनर्स रिलीज. दो देवर नॉट दे वर ओनली सेवन ऑफ देम. यहाँ पे केवल सेवन प्रिजनर्स थे और उनको रिलीज किया गया. येट द बेस्टाइल जो प्रिजन था वॉज हेटेड बाय ऑल. इसको सब हेट करते थे बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग. बिकॉज कई चीज़ें क्या होती है? सिम्बॉलिक होती है. तो ये एक सिम्बॉलिक था जो ये था. ये डेस्पोटिक पावर ऑफ जो किंग था, मोनार्क था, उसका ये सिम्बॉलिक स्ट्रेंथ दिखाता था दिस बेस्टाइल. तो बिकॉज लोग किंग को हेट करते थे तो वो हेट करते थे इस प्रिजनर को भी. सो द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट्स गिर गई है वर सोल्ड इन द मार्केट टू अलाउ दोज हु विश टू कीप अ सोवेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन. सोवेनियर क्या होता है? मेमोरी में हम कुछ रखते हैं, सो दैट इज कॉल्ड सोवेनियर. नाउ द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर राइटिंग हुई बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड. मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड. अगले दिन क्या हुआ? फूड का शॉर्टेज हो गया. हाई प्राइस ऑफ ब्रेड. मच लेटर द हिस्टोरियन लुकड बैक अपॉन दिस टाइम. दे सॉ इट एज अ बिगनिंग ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट्स दैट अल्टीमेटली लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस. तो ऐसा माना जाता है ये जो पॉइंट था ये ट्रिगर किया इसने. इसके बाद एक चेन रिएक्शन चालू हो गई. एक इवेंट होती है उससे लिंक दूसरी इवेंट होती है, फिर थर्ड होती है, फोर्थ होती है. तो इन दिस वे ये फाइनली एग्जीक्यूशन ऑफ किंग हुआ फ्रांस का. मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम. हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन? ओके, सो ये था स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल. सून आफ्टर द डिमोलिशन ऑफ द बेस्टाइल आर्टिस्ट मेड प्रिंट्स को मेमोरेटिंग द इवेंट. ऐसे करके इन्होंने इसको ये था गिरा दिया ऐसे. अब फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी? बिकॉज कोई भी इवेंट होता है ना तो उसका एक बैकड्रॉप होता है. वो बैकड्रॉप इस इवेंट की तरफ आपको लीड किया है. फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी. 1774 में ये लुई 16 है. ये लुई 16 जो थे ये बर्बोन फैमिली को किंग असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस. दिस इज थ्रोन THRONE. थ्रोन ऑफ फ्रांस. ही वॉज 20 years old. ये काफ़ी छोटे थे और इनकी शादी हुई थी मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट. ये मैरी एंटोनेट इनकी वाइफ थी. सो अपॉन हिज एक्सेशन टू न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी. मीन्स इनका जो खजाना था वो खाली था. लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस. काफ़ी लंबी वार चली थी तो इनके जो रिसोर्सेज थे वो खत्म हो गए थे. एडेड टू दिस वॉज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रा वेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्जाइल. सो दे वर हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर. सो देयर इनकम वॉज लेस बट देयर एक्सपेंडिचर्स वॉज हाई. सो अंडर लुई सिक्सटीन फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन. ये जो लुई 16 थे ये 13 कॉलोनीज क्या थी? सी दीज वर बेसिकली ब्रिटिशर्स जो यूएसए में उन्होंने कॉलोनीज बना रखी थी. इन कॉलोनीज को फ्रीडम दिलाने के लिए, इनके साथ लड़ने के लिए इस फ्रांस ने हेल्प किया था. तो इससे फ्रांस का काफ़ी एक्सपेंडिचर हो गए. तो दैट इज़ वाई इसकी ट्रेजरी एम्प्टी थी, टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉमन एनिमी ब्रिटेन. अब द वॉर एडेड मोर देन अ बिलियन लिवर टू अ डेट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन. दिस तो इससे क्या हुआ? इनका काफ़ी ज़्यादा खर्चे हो गए. सो दैट इज़ वाई देवर इन डेट. लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट, उधार जिसने दिया था, नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स. सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ऑब्लाइज टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट. सी हम कुछ पैसे लेते हैं, से 100 रुपी लिया है तो इसमें हमने से 10% इंटरेस्ट रेट लगाया है तो हमको ये इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा था अलॉन्ग विद दिस कैपिटल. तो इससे इनको काफ़ी लोड होने लग गया. सो टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी कोर्ट रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज यूनिवर्सिटीज स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्स. तो जब इन्हें रेवेन्यू कम लगने लगता था तो ये टैक्स इंक्रीज कर दिए.
टैक्स इंक्रीज हुए, सो येट इवन द मेजर वुड नॉट हैव सफाइड, बस टैक्स इंक्रीज करने के बाद भी ये मेजर आपका फुलफिल नहीं हुआ. अब जो फ्रेंच सोसाइटी थी 18th सेंचुरी में वॉज डिवाइडेड इंटू थ्री एस्टेट, तो यहाँ पे इन्होंने तीन ऐसी क्लासेस बना रखी थी. ओनली मेंबर ऑफ द थर्ड एस्टेट पेड टैक्सेस. अगेन यहाँ क्या हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, और जहाँ कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन होता है पब्लिक में क्या आता है, डिसकंटेंट आता है, पब्लिक एंग्री हो जाती है. सो द सोसाइटी ऑफ एस्टेट वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडल एजेस. तो ये इनका यहाँ ऐसे ही फ्यूडल सिस्टम चल रहा था और इन्होंने तीन एस्टेट्स में सोसाइटी को डिवाइड कर रखा था. द टर्म ओल्ड रिजीम इज यूजली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789. सो देखिए, ये ऐसा फर्स्ट एस्टेट था, ये क्लर्जी है, सेकेंड एस्टेट था ये नोबिलिटी है, और जो थर्ड एस्टेट था वो बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर. तो ऐसे इन्होंने तीन कैटेगरी बना दी, एक क्लर्जी, एक नोबिलिटी, और ये बाकी तीन में बाकी सब आ गए. पीजेंट्स एंड लॉयर्स भी आ गए यहाँ पे, और स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस, लेबरर, सर्वेंट्स, एवरीथिंग दे इस तीन में आ गए, फर्स्ट, सेकेंड एंड दिस थर्ड. तो ये जो सिस्टम था, ये जो डिफ्रेंशिएशन हो रहा था कि एक सेक्शन को टैक्स देना है, एक को नहीं देना है, तो इससे क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन से डिसकंटेंट हुआ, और यही डिसकंटेंट आगे चल के बनेगा रिवोल्ट में. जैसे हम 1857 इंडिया का रिवोल्ट देखते हैं, तो उधर भी डिस्क्रिमिनेशन था इंडियन सोल्जर्स और फॉरेन सोल्जर्स में, ब्रिटिशर सोल्जर्स में. सो दैट इज़ वाई इंडियन सोल्जर्स ने फिर क्या किया, रिवोल्ट किया. सो दिस अगेन ये ऐसा रिजल्ट आएगा. नाउ फिगर टू शोज दैट हाउ द सिस्टम ऑफ एस्टेट इन फ्रेंच सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड. पीजेंट्स जो थे वो 90% ऑफ द पॉपुलेशन पे थे. हाउएवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड दे कल्टिवेटेड, मीन्स उनके पास जमीन खुद की नहीं थी. अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ओन बाय नोबल, तो नोबल लैंड ओन करते थे और काम करवाते थे पीजेंट से, द चर्च एंड द अदर रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड एस्टेट. सो द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू एस्टेट दैट इज द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी एन्जॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ, तो इन्हें बाय बर्थ कुछ ऐसे प्रिविलेजेस मिले हुए थे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट. अगेन दिस वॉज द प्रॉब्लम, इनको टैक्स नहीं देना था. अब ऐसा क्यों, इनको टैक्स देने के लिए एग्जेम्पशन मिला हुआ है, तो जिनको टैक्स देना है वो दे वर फीलिंग बैड. सो द नोबल्स फर्दर एन्जॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस भी इन्हें मिली हुई थी. सो दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स. सो पीजेंट्स वर ऑब्लाइज टू रेंडर सर्विसेज भी देंगे, उनके घर पे काम भी करेंगे, आर्मी पार्टिसिपेट, बिल्डिंग रोड्स एट्सेट्रा. चर्च जो था, चर्च मीन्स रिलीजन से रिलेटेड, टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर्स ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टाइथ फ्रॉम द पीजेंट. तो चर्च भी क्या कर रहा है, पीजेंट से टैक्सेस ले रहा है. एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट, और जो फाइनली उनको देना था वो स्टेट को देना था. सो दीज इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स, और डायरेक्ट टैक्स का क्या नाम था, टाइल, एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वर लेवाइड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजम्पशन, जैसे सॉल्ट और टोबैको. सो द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्स वॉज बॉर्न बाय द थर्ड एस्टेट ओनली. सो टैक्सेशन जो था वो पूरा पूरा एक एस्टेट में दे दिया इन्होंने. देन ये यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस डिसकंटिन्यूड इन 1794. क्लर्जी ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शंस ऑफ द चर्च, ये रिलीजियस लोग हैं. टाइथ एक टैक्स है जो चर्च लेवाई करता था, कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. 100 यूनिट एग्रीकल्चर है, आपको 10 रुपए 10 यूनिट यहाँ पे टाइथ देना होगा. टाइल क्या था, टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट. सो दिस इज हाउ द सोसाइटी वॉज. एंड ये जो थे ये यहाँ पे ये कुछ टर्म्स हैं. तो ये फ्रांस की सोसाइटी है लेट 18th सेंचुरी में, बिफोर द रिवॉल्यूशन. ये वहाँ पे ऐसा बैक स्टोरी चल रहा है वहाँ पे. अब क्या हुआ, जो पुअर थे ये ब्रिंग्स एवरीथिंग, ग्रेन, फ्रूट्स, मनी, सैलड, फैट लॉट सिट्स. तो मतलब बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था. आर्टिस्ट पोर्ट्रेट द नोबल मैन एज द स्पाइडर एंड पीजेंट एज द फ्लाई. नाउ स्ट्रगल शुरू हुआ, द स्ट्रगल टू सर्वाइव. पॉपुलेशन ऑफ जो फ्रांस थी वो हो गई 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789. सो दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन. फूड ग्रेन अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गए. प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड, प्रोडक्शन पेस नहीं रख पाया विद द डिमांड. सो द प्राइस ऑफ ब्रेड, जो ब्रेड थी विच वॉज अ स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी, रोज रैपिडली. तो फूड शॉर्टेज होने लग गया यहाँ पे, फूड शॉर्टेज
प्रोमिनेंट हो गया यहाँ पे. सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ मेजोरिटी रोज रैपिडली. अब जो वर्कर्स थे वॉज एम्प्लॉयड एज लेबरर इन द वर्कशॉप हुज ओनर फिक्स देयर वेजेस. तनख्वाह इनका ओनर फिक्स करता था, बट वेजेस जो थी मतलब तनख्वाह जो थी वो पेस नहीं रख पा रही थी राइज इन प्राइसेस के साथ. सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडन. एक बहुत अमीर होते जा रहे हैं और दूसरे गरीब हैं. थिंग्स बिकेम वर्स वेन एवर ड्रॉट, ड्रॉट मतलब अकाल, और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट. जब जब ये हार्वेस्ट कम हो रही थी तो इधर प्रॉब्लम आ रही थी. दिस लेड टू दिस सबसिस्टेंस क्राइसिस. इससे सबसिस्टेंस क्राइसिस आया, समथिंग दैट अकर्ड फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजीम. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड. एन एनोनिमस मीन्स वन हु रिमेन्स अननोन. एनोनिमस होते हैं ये. तो ये स्ट्रगल चालू हो गया टू सर्वाइव. अब सबसिस्टेंस क्राइसिस ऐसे हुआ, बैड हार्वेस्ट थी, डिसीज एपिडेमिक, पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड. अब एक ग्रोइंग मिडिल क्लास था एंड वी सजेस्ट टू एंड टू प्रिविलेजेस. मिडिल क्लास को बुरा लग रहा था कि एक सेक्शन को ही प्रिविलेजेस क्यों मिली हैं. सो इन द पास्ट पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट्स अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कार्सिटी, बट दे लैक्ड मीन्स. उनके पास मीन्स नहीं थे, प्रोग्राम्स नहीं थे टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर. मतलब दे वॉन्टेड टू डू समथिंग बट दे डू नॉट. उनके पास मेजर नहीं थे, उनके पास जरिया नहीं था, मीन्स एंड प्रोग्राम्स नहीं थे, फुल स्केल मेजर्स नहीं थे. सो दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप विद इन द थर्ड एस्टेट हु हैड बिकम प्रॉस्परस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज. अब क्या हुआ? अब 18th सेंचुरी में विटनेस हुआ इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स आने लग गए जिनका नाम रखा मिडिल क्लास. ये मिडिल क्लास भी जो आज हम देखते हैं ना इंडिया में मिडिल क्लास है, इसका भी रूट्स हैं यहाँ पे. हु अर्न देयर वेल्थ थ्रू एन एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स सच एज वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल दैट वर ईदर एक्सपोर्टेड और ब्रॉट बाय द रिच मेंबर ऑफ सोसाइटी. तो ये मिडिल क्लास कैसे बनी? ये बीच में दे वर नॉट लाइक पुअर और दे ज़्यादा रिच भी नहीं थे. ये एक्सपोर्ट्स और इससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से वर्क जनरेट हुआ था तो ये उसका छोटा मोटा काम करके ये मिडिल क्लास में आ गए थे. इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर थर्ड एस्टेट इंक्लूड प्रोफेशनल्स जैसे कि लॉयर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं. सो ऑल ऑफ दिस वर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ. तो दैट इज़ वाई जब एजुकेशन मिलती है तो उन्होंने देखा कि बर्थ से हमारे राइट्स डिटरमाइन नहीं होने चाहिए, हमारे राइट्स डिटरमाइन होने चाहिए हमारे वर्क से. ओके, बर्थ नहीं होना चाहिए, वर्क होना चाहिए क्राइटेरिया. सो रेदर अ पर्सन सोशल पोजिशन मस्ट डिपेंड ऑन इज मेरिट. दीज आइडियाज एनविसाजिंग अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल. तो इससे अब ये फिलोसोफर्स आते हैं. जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं ना तो इनका नाम काफ़ी कॉमन है, अक्सर हम इसे देखते रहते हैं. सो दीज आर, दैट इज़ वाई दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये है जॉन लॉक, जीन जैक्स रोसोसु एंड हिज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट. इन्होंने फिलोसोफर्स क्या होते हैं, नए नए थॉट्स देते हैं, थिंकर्स होते हैं ये बेसिकली. सो इन्होंने क्या किया, रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन. डिवाइन नहीं कि मतलब जन्म से ही, बर्थ से ही आपके राइट्स नहीं होने चाहिए, एब्सोल्यूट राइट्स नहीं होने चाहिए यहाँ पे. देन जो मोनार्क था रोसेसू ने कैरिड किया आइडिया फॉरवर्ड प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सोशल कॉन्ट्रैक्ट का रोसेसू ने ये दिया था बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव. मतलब उनके बीच में ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि हम आपको ये डिलीवर कर रहे हैं, हम आपको ये डिलीवर कर रहे हैं. देयर हैज़ टू बी सम सोशल कॉन्ट्रैक्ट. देन द स्पिरिट ऑफ द लॉ, ये लेके आए मॉन्टेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ द लॉ. इसका मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट. इंडिया में भी जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड वॉट इज़ द थर्ड वन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, इनमें डिवीजन ऑफ पावर होता है. ये इसके काम में नहीं आएगी, ये इधर नहीं आएगी, ऐसा होता है. ये भी मॉन्टेस्क्यू क्यों लेके आया, डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. सो दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इन टू फोर्स इन द USA. USA में ये काफ़ी स्ट्रिक्ट है आफ्टर द 13th कॉलोनी डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन. सो दैट इज़ वाई आज भी आप देखोगे USA की जो जुडिशरी है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो, इन कंपैरिजन टू अदर जुडिशरी ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. जुडिशरी एंड जुडिशियल थिंग्स दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट वॉज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस पॉलिटिकल थिंकर. तो देखिए कैसे ये हिस्ट्री थी 18th सेंचुरी फ्रांस की जो आज 21st सेंचुरी ऑफ वर्ल्ड को आइडियाज एंड एवरीथिंग आज के वो डिटरमाइन कर रहे हैं. सो दैट इज़ वाई हिस्ट्री को पढ़ना ज़रूरी होता है.
The ideals of these philosophers were discussed intensively in saloon, coffee houses, spread, सब जगह होने लग गए. Books, newspaper, एक culture बन गया. तो लोग क्या हुए, जागरूक होने लग गए. These were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write. So the news that Louis XVI planned to impose further taxes, taxes देखे थे ना, जो इनकी जो खजाना था वो खाली हो गया था, बिकॉज सारा खजाना इन्होंने एक्स्ट्रा वेगेंट लगा दिया, इनके पास रेवेन्यू नहीं आया. 13th अमेरिकी जो कॉलोनी थी उसको फ्रीडम देने के लिए इन्होंने सारा खर्चा कर दिया. सो दैट इज़ वाई इन्होंने सोचा और टैक्स लगा दो. और ये जो थिंकर्स थे इनको लगा दिस इज़ एट्रॉसिटीज हो रही है ये हम पे. मीट द एक्सपेंसिस ऑफ द स्टेट जनरेटेड. तो इससे एंगर हुआ, प्रोटेस्ट आया, और ये सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस के अगेंस्ट ये सब एक एंगर मतलब एक कॉमन कंसेंसस बनने लग गया कि वी नीड टू डू सर्टेन थिंग्स. ओके, देन सोर्स ए इसका यहाँ पे दिया है अकाउंट्स ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंसेस इन द ओल्ड रिजीम. देन दिस इज जॉर्ज डेंटन, इंग्लिश मैन आर्थर यंग ट्रेवल, ये इसने भी लिखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज जर्नी. ही ऑफन कमेंडेड ऑन वॉट ही सॉ. सो वॉट ही सॉ, ही हु डिसाइड्स टू बी सर्व्ड एंड वेटेड अपॉन बाय स्लेव्स, इल ट्रीटेड स्लेव्स एट दैट, मस्ट बी फुल्ली अवेयर दैट बाय डूइंग सो ही इज placing his property, his life in situation which is very different that he would be in had he chosen the, he's saying the society mein wahan pe kafi zyada aise issues the. Okay, then same thing is over here. Then this is the activity for you. So this is the part one. Hum video kafi lamba nahi karenge because zyada lamba hota hai then efficiency kam hoti hai, so we'll keep it short. ओके, सो अभी हमने क्या रखा यहाँ पे, हमने ये देखा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है आपको पता होना चाहिए. रोसोसू कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और जो स्पिरिट ऑफ द लॉ है ये लेके आया था मॉन्टेस्क्यू क्यू, सेपरेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर, पॉलिटिकल थिंकर फ्रांस के. देन ये जॉन लॉक है, जैक्स रोसोसू है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, डॉक्ट्राइन इन द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट. देन दिस इज द मीन्स एंड प्रोग्राम, सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर, और ये है यहाँ पे द स्ट्रगल टू सर्वाइव, कि ये इतना पूरा स्ट्रगल सब्सिस्टेंस और क्राइसिस आ रहा था. वाई, बिकॉज फूड शॉर्टेज हो रही थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा, सब्सिस्टेंस एंड दिस एनोनिमस. देन वी रेड कि ये टैक्सेस हैं, एक था जो चर्च लगा रहा था दैट इज टाइथ, और एक डायरेक्ट टैक्स लग रहे थे जिनका नाम था टाइल, एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी थे. ये करेंसी है, ये क्लर्जी है, टाइथ है, टाइल है ये. ओके, देन ये तीन एस्टेट थे यहाँ पे, फर्स्ट एस्टेट क्लर्जी, सेकेंड एस्टेट नोबिलिटी, और जो थर्ड एस्टेट था उसमें बाकी सारे लोग थे जैसे कि बिग बिजनेसमैन, पीजेंट्स आर्टिसन, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस एंड लेबरर. सो दिस इज वीडियो नंबर वन, पार्ट नंबर वन ऑफ दिस फ्रेंच रिवॉल्यूशन. विल डिस्कस इट फर्दर इन सेकेंड पार्ट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर एंड बी सेफ.